पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र में दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दुर्गापुर गांव के अजीत चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले कि अजीत चौधरी के पिता अरुण चौधरी कर्ज पर रुपया देने के काम करते थे। भवानीपुर निवासी अशोक भगत को 25 लाख रुपया कर्ज पर दिए थे। साथ ही अशोक भगत के पुत्र अमित कुमार और अमन कुमार ने अजीत चौधरी के साथ मुख्य बाजार पर स्थित अपने मकान में पार्टनरशिप पर दवा की दुकान खोल रखी थी, जिसको अजीत चौधरी, अमित और अमन मिलकर चलाते थे। कुछ वर्ष पहले ससुर अरुण चौधरी की मौत हो गई थी। फिर अजीत चौधरी दिए गए लाखों रुपया की मांग करने लगे तो दोनों के बीच अनबन होने लगा। कुछ दिन पहले बिजनेस को बकाया रुपये लेकर विवाद भी चल रहा था। बयान के अनुसार अजीत चौधरी की पत्नी मिनकलिका चौधरी ने रविवार की रात पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर भवानीपुर निवासी अशोक भगत, अमित कुमार और अमन को रविवार को देर रात्रि ही हिरासत में ले लिया गया है। गमदाहा SDPO प्रेम सागर ने बताया कि हिरासत में लिए गए तीन व्यक्तियों ने पुलिस से पूछताछ कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष बम शाह पहुंचे और साथ ही उचित कार्रवाई पुलिस प्रशासन से मिलकर उचित कानूनी कार्रवाई करवाने की बात कही है। मौके पर दमदाहा अनुमंडल अध्यक्ष बम कुमार उर्फ अभिषेक जयसवाल, पिंटू कुमार, रामदेव पौद्यार, दर्जनों लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बिहार के पूर्णिया से News 99 के लिए बम कुमार की रिपोर्ट। आपको क्या लगता है इस घटना के पीछे किन किन का हाथ हो सकता है? घटना के पीछे हमारे दुकान में के साथ काम करते थे अमित और उनके फादर अशोक भगत, वही दोनों। उसका छोटा भाई भी इसमें संलग्न है। आप प्रशासन तौर से प्रशासन तरीका से आपको क्या सहयोग मिला? अभी तक किसी सहयोग पता नहीं है। अभी तो मेरे कहने पे, मेरे बयान पे उनको थाना ले जाया गया। आप क्या चाहते हैं कार्रवाई के लिए? हम यही चाहते हैं कि हमको जो चीज नया है वो मिले। हमारी दो छोटी बच्चियां हैं और अब हमें देखने वाला कोई नहीं है। मेरी एक सास है, वो भी वीडियो ही है, और कोई देखने वाला उन लोगों को नहीं है। तो हमको सही रूप में न्याय मिलनी चाहिए। हर हमेशा इनसे पता दिन महीना दिन पे लड़ाई झगड़ा करते रहता था, उनके साथ जो काम करता था, हर हमेशा पैसा मांगने पे हर हमेशा झगड़ा करता था। हर हमेशा मेरे ससुर से इनके फादर 25 से 30 लाख रुपया लिए, ये उनका भी डिमांड करते थे उनसे, तो वो उनको टाल बटाल करते रहता था। तो हर हमेशा धमकी देता था कि पैसा पैसा करता है, पैसा ही तुमको ले डूबेगा। क्या नाम है उसे? अशोक भगत नाम है, और उनका बेटा का नाम अमित कुमार है, जो हमारे दुकान में काम करते हैं। FIR हो चुका है? हाँ, यहाँ आए थे तो उस दिन वो लिखवा के इंस्पेक्टर साहब सब आए थे, DSP वगैरह आए थे, तो वो लिख के ले गए। आप अपना परिचय दें। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मृणाली चौधरी है, मेरे पति का नाम श्री स्वर्गीय अजीत चौधरी है। बहुत बहुत जी बताए। देखिए, यहाँ अजीत कुमार जी के हम घर पे आए थे, तो पिछली रात उनके साथ मैंने हत्या हो गई है गोली मार के उसके साथ। और बहुत दिल की बात है कि हमारा वैश्य परिवार का ये एक नेता बालिशान थे, अपने माता पिता का पिता भी जीवित नहीं है, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इनको एक पुत्र भी नहीं, और दो छोटे छोटे बच्चे की कम उम्र में उनकी हत्या हो गई। और वर्तमान में जो माननीय आरक्षी अधीक्षक हमारे पूर्णिया के हैं विशाल शर्मा जी, उनसे हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उनको सजा मिले। हम लोगों का भी मांग यही है, इस मामले में SPT घायल के तहत जो आरोपित है उनको अविलंब जो है न्यायालय के द्वारा सजा। आपका परिचय? जी, बम्बम शाह, जिला अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, जिला।